हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मैं बहुत लेट से उठी और आज मैंने अपने मॉर्निंग ट्यूशंस भी नहीं कंप्लीट किए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। 9 बजे मैं सोकर के उठी हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होकर के अभी मैं पी रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय, ख़त्म ही होने वाली है। आज तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैंने अपने मॉर्निंग ट्यूशंस नहीं किए, तो मैं उन्हें आज शाम में करने वाली हूँ। वैसे तो आज संडे है तो आज मुझे सबको छुट्टी देनी चाहिए थी, बट इस वीक में मैंने एक दिन सबको छुट्टी दे रखी है तो मुझे संडे को कवर करना पड़ेगा। तो आज काफ़ी सारे ट्यूशंस हैं। तो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा भजन वगैरह सुन रहे थे और हमारे यहाँ साफ़ सफाई चालू हो चुकी है घर की, बिकॉज़ नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में ज़्यादा देर नहीं बचा है तो मम्मी ने ना एक सारे, रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कोई इधर मम्मी ने ना सारे बर्तन निकाल के रख दिए, जिस कंटेनर में सारे बर्तन रखे हुए थे उसे मम्मी ने धोने के लिए ले गया है और आज से सफाई चालू हो चुकी है। नवरात्रि आने वाली है इस वजह से और अभी मम्मी तैयार कर रही है ब्रंच, बिकॉज़ आज हम लोग को लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस, फाइनली काम वगैरह हो गया है और अभी मैं आटा सान रही हूँ ब्रंच की तैयारी। मम्मी ने सब्जी बना दी और आज ब्रंच का मेन्यू है कढ़ाई पनीर, एकदम मस्त वाला टेस्टी वाला पनीर मम्मी ने बनाया है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। पहले आटा सान लेती हूँ, साथ ही में रोटी बनेगा। मम्मी गई है नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है गाइस, 11 बज चुके हैं, हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से तो बस फटाफट से आटा सान लेना है, फिर मम्मी रोटी बना देगी और पनीर की सब्ज़ी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा देर वेट करो। गाइज, ये है मेरी पनीर की सब्ज़ी, मतलब जो मम्मी ने बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है इसे देख लग रही है। आटा भी मैंने सान लिया है, अब बस नहाना है और पेट पूजा करना है। मम्मी नहाने गई, मम्मी आगे नहा करके फिर मैं नहाऊंगी, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। एंड फाइनली गाइज, मैंने नहा लिया और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, पनीर की सब्ज़ी और पराठे। मुझे तो पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो फटाफट से पेट पूजा कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। एंड गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया और इतना ज़्यादा लेट हो गया था आज की, रेस्ट करने का तो ज़रा भी टाइम ही नहीं मिला। ब्रेकफास्ट हमने 1 बज गया हमें ब्रेकफास्ट करने में और 2 बजे से मेरे ट्यूशन, थोड़ा सा खाते खाते मतलब क्या ही बोलूँ। फिर मैंने कॉल किया कि किसी के यहाँ से काश छुट्टी मिल जाए, लेकिन आज कहीं से छुट्टी नहीं मिली मुझे। कल भले ही छुट्टी मिल गई थी, आज मिलनी चाहिए थी, आज नहीं मिली। और तो मैं फटाफट से रेडी हो गई, 1:30 बज गए, 2 बजे से मेरे ट्यूशन है तो अभी नींद भी आ रही है हल्की हल्की, तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ। मम्मी को भी मन है चाय पीने का तो यहाँ पर मैं किचन में आई चाय बनाने के लिए, तो चाय पी लेते हैं फिर मैं चल जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बस मम्मी यहाँ पर ब्लॉग देख रही है, मम्मी ना मेरी बहुत ब्लॉग देखती है, किसी किसी का ब्लॉग, मेरा नहीं देखती है। बस ये है मेरा चाय, पियो तो दूध दूध जैसा लग रहा है, ठीक है। मलाई वलाई खाने लास्ट ना दिया किसी ने, ठीक है। थोड़ा सा ना चाय में से दूध दूध वाला ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, तो अब हम जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए और फिर आऊँगी मैं रात में, शायद 8 बजे, शायद मैं 8 बजे आ सकती हूँ, नहीं तो 9 भी बज सकता है, आज का कोई कंफर्म नहीं है। एक ट्यूशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, देखते हैं। तो रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ, आप देख सकते हो ट्यूशन में तो मैं शूट नहीं करती हूँ आप जानते ही हो, बट अगर आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर रात में आपसे मिलते हैं, ओके। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ आराध्या के यहाँ, आराध्या आ रही है, आ जाएगी फिर मैं शूट नहीं करूँगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग से मिल लिया जाए। तो अभी अभी 5 बज रहे हैं और मेरे ट्यूशन्स 9 बजे तक हैं। इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी गाइस, थैंक गॉड कैंटी ने मुझे नाश्ता करने दे दिया। तो चलो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।